हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विद नीलू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने गोल्ड स्प्रे ऑनलाइन मंगवाया फ्लिपकार्ट से। ये दो बॉटल मेरे को मिली 360 में। ये मैंने इसलिए मंगवाया कि मैं जिससे मेरे जो कुछ ऐसे कंटेनर्स पड़े थे, मैं उनको थोड़ा सा शाइनिंग लुक देने के लिए मैंने ये गोल्ड स्प्रे मंगवाया। मेरे पास ये फ़िल्टर का कंटेनर था, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने एक्वागार्ड लगा लिया, तो मेरे पास ये स्टील के जो पहले के जो फ़िल्टर्स होते थे ना, ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने इनको रीयूज़ करने की सोचा, तो ये ऐसे तो बड़े अजीब से लग रहे थे बस। तो मैंने इस पर गोल्डन स्प्रे करने के लिए ये मंगवाया और मैं ये कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी शाइन आ गई है। लेकिन बी केयरफुल, अगर आप ये स्प्रे करते हैं तो मास्क ज़रूर पहन लें और एक फुट की डिस्टेंस से इसको स्प्रे करें खुली एरिया में। और ये मेरे फ्लावर पॉट्स हैं, ये भी वाइट, इसको भी मैंने किया स्प्रे। करने के बाद इसमें बहुत अच्छा एक लुक आ गया, एक शाइनिंग सी आ गई, देखने में भी अच्छा लगने लगा। बहुत सारे मेरे ऐसे पॉट्स पड़े हुए थे, मैंने उन पे किए जो मैं इंडोर रखना चाहती थी। ये मेरा एक मनी प्लांट का पॉट था, इसमें मैंने खुद से पेंटिंग की थी, फैब्रिक पेंट से की थी, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको भी करने का सोचा और इसको भी किया। इसको मैंने जब करने के बाद मनी प्लांट इसके अंदर रखा हुआ था, इसमें कुछ अलग ही एक्स्ट्रा लुक आना शुरू हो गया, तो मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। मनी प्लांट का है मेरा, मैं इसको अंदर रखती हूँ इस पॉट को। ये सब आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो इन सब चीज़ों में, क्राफ्ट्स कर सकते हो, अपने पॉट्स को डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। बस आपको एक अच्छे से स्प्रे करना है एक डिस्टेंस से, और 10 मिनट तक इसको फर्स्ट कोट आप 10 मिनट दें सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। जब 10 मिनट बाद ये फर्स्ट वाला कोट ड्राई हो जाए तो आप इसको सेकंड कोट करिए। फिर ये है मेरा एक स्पाइडर ग्रास का प्लांटर, ये दही का था डब्बा, तो मैं इसको फेंका नहीं, इसमें मैंने नीचे होल करके इसको मैंने लगाया, इसको भी मैंने पेंट किया और ये दूसरा वाला भी मैंने पेंट किया। ये सब मेरे पेंट करने के बाद कैसा लग रहा है बताना आप। और ये है मेरे सीमेंटेड लीव्स, जो सीमेंट से बनाए गए हैं लीव्स से, उनको भी मैंने पेंट किया, स्प्रे मारा अच्छे से, पूरे सब ग्रीन ग्रीन से थे और कुछ डस्ट भी लग गए थे, अच्छे फीके फीके से लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको करके एक अलग से लुक दे दूँ। और अंदर रखने पे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ रही थी इसमें। ये सारे लीव्स से बनाए गए हैं, पत्तों से सीमेंटेड हैं। कभी मैं आपको दिखाऊंगी ये सब कैसे बनाया जाता है, बहुत प्यारा लगता है। ये ब्रांच है एक, उसको भी मैंने कलर किया था, हुआ था पहले से ब्लैक पेंट, लेकिन फिर मैंने इसको गोल्डन स्प्रे मारा इस पर। आप सब बताना ये सब कैसा लग रहा है, आप लोगों को देखकर ज़रूर मुझे शेयर करके बताना अपनी व्यूज़ कमेंट करके। और अगर ये सब क्राफ्ट्स मेरे को करना अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को भी पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप अपना सपोर्ट ज़रूर दें मुझे और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। ये सब कुछ मैंने किया, गोल्डन स्प्रे कर दिया, बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लगा।